राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है विकास नियोजन। नियोजन क्रियाओं के क्रम तथा अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया है जिसे भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है। नियोजन के लिए चुनी गई समस्याएं बदलती रहती हैं, पर यह मुख्य रूप में आर्थिक और सामाजिक ही होती हैं। नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है, लेकिन सभी तरह के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसकी कुछ अवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है। भारत में नियोजन अभी तक केंद्रीकृत ही है। राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन की नीति तय करती है। इस परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक शामिल होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, संचार, रेलें आदि केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, जबकि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण सेवाएं, लघु उद्योग और सड़कों का विकास व परिवहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अधिकतर मामलों में योजना आयोग ही कार्यनीतियां, नीतियां और कार्यक्रम बनाता है तथा राज्यों को केवल उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता है। राज्यों में भी नियोजन की प्रक्रिया कोई बहुत भिन्न नहीं होती है। राष्ट्रीय योजना संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक पक्षों पर विचार करती है, सभी आवश्यकताओं और संभावनाओं पर बल देती है, कौन से लक्ष्य पूरे करने हैं तथा कौन सी विधियां अपनानी हैं, इन पर विचार करती है, जबकि योजनाओं को पूरा करने का दायित्व राज्यों का होता है। इसीलिए इनका स्वरूप भौतिक माना जाता है। क्षेत्रीय योजना का प्रादेशिक विभाजन राज्य स्तर पर किया जाता है। संविधान के संशोधनों के द्वारा नियोजन को स्थानीय स्तर के विकास का अनिवार्य अंग बना लिया गया है। अब विभिन्न अभिकरण जिलों, खंडों, नगरों और गांवों के लिए योजनाएं बनाती हैं। नियोजन का इतिहास। स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही भारत ने योजना आयोग की नियुक्ति करके राज्य प्रेरित नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। इससे भी पूर्व सन 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए एक योजना की संभावनाएं तलाशने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति का नाम राष्ट्रीय नियोजन समिति रखा गया था। समिति योजना तो पूरी नहीं बना सकी, लेकिन विकास के लिए कुछ नीतियां और संदर्भ तय कर दिए थे।
सन 1944 में टाटा और बिरला ने बंबई योजना बनाई। इसके बाद एसएन अग्रवाल ने गांधी योजना तैयार की। इसके मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्योग का विकास था। स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग ने 1952 में एक योजना तैयार की। यह 1951 से 1956 की अवधि की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय योजनाएं बहुउद्देशीय थीं। ये विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी बल देती थीं। उत्तरोत्तर योजनाओं के अनुभवों के आधार पर विधियों को जांचा परखा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल समग्र विकास पर दिया गया था। इसमें ग्रामीण समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा ग्रामवासियों को निवेश, सेवाओं, वित्त और तकनीकी जानकारी दी गई थी। विकास के बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पर इसे बहुउद्देशीय उपागम कहा गया था। प्रथम योजना में कृषि सहित सिंचाई तथा बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी के आदर्श पर बाढ़ नियंत्रण, भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, मृदा अपरदन के नियंत्रण और मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई थीं। इन योजनाओं में पंजाब और हरियाणा के लिए भाखड़ा नांगल, बिहार के लिए कोसी, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के लिए दामोदर घाटी परियोजना तथा उड़ीसा के लिए हीराकुंड योजनाएं शुरू की गई थीं। झारखंड के सिंदरी में उर्वरक बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस सब के बावजूद बहुउद्देशीय विधि को अधिक सफलता नहीं मिली तथा बाद की योजनाओं में इसके स्थान पर क्षेत्रीय विधि को अपनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इस योजना में विकास के एक ऐसे प्रतिरूप को प्रोत्साहित किया गया जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य थे, पहला, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, दूसरा, आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण, तीसरा, रोजगार के अवसरों का विस्तार और चौथा, असमानताओं में कमी। इस योजना में आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। यही नहीं, इसी योजना में देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को भी परिभाषित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में नए समन्वित इस्पात कारखाने चालू किए गए। बिजली के भारी उपकरण बनाने का एक संयंत्र भोपाल में लगाया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाने के विस्तार के साथ नांगल और राउरकेला में उर्वरक बनाने के कारखाने खोले गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे, पहला, राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि करना, दूसरा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा कृषीय उत्पादन बढ़ाना, तीसरा, आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना, चौथा, रोजगार के अवसरों का
विस्तार करना। पांचवां, आय और संपत्ति में वैयक्तिक तथा प्रादेशिक विषमता को घटाना। तीसरी योजना की उपलब्धियां बहुत निराशाजनक थीं। योजना के उद्देश्य पूरे ना हो सकने के कारण ये थे: मानसूनी वर्षा में देरी, 1965 का भयंकर सूखा, 1962 में चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, विदेशी ऋण की अनुपलब्धता और कठोर प्रशासनिक नियम तथा कार्य प्रणालियां, 1964 से 1965 में खाद्यान्नों का उत्पादन 8 से 9 करोड़ टन था, जो एक रिकॉर्ड था, लेकिन दूसरे ही वर्ष यह उत्पादन घटकर केवल 7.23 करोड़ टन ही रह गया। केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही तीसरी योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। दूसरी योजना की तुलना में इस योजना की उपलब्धियां अच्छी नहीं थीं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी सुनीता चौहान। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।